चलिए फ्रेंड्स, आज एक खूबसूरत सा DIY वॉल डेकोर बनाते हैं। अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों से घर सजाने का मज़ा ही कुछ और होता है, और मुझे तो ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो आज मैं आपको जो DIY वॉल डेकोर बनाना दिखा रही हूँ, इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं है और ये बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए मेरे साथ आप भी देखिए कि मैंने इसको किस तरह से बनाया। इसे बनाने के लिए कॉपी के जो बचे हुए पेपर रहते हैं वो मैंने लिया है, साथ में मैंने लिया है यहाँ कार्डबोर्ड के पीसेस, फेविकॉल, कैंची और कोई भी रस्सी या मोटा धागा हैंग करने के लिए, और गोल्ड स्प्रे पेंट। बस इसे ही आपको मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा, बाकी चीज़ें तो हमारे घर में अवेलेबल होती ही हैं। मैंने लंबी वाली कॉपी के पेपर लिए हैं और उसको मैंने बीच में इस तरह से काट लिया है और काफ़ी सारे पीस कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा ले सकते हैं। और यह कार्डबोर्ड है, इसको स्क्वायर शेप में काट लिया है और जूट की रस्सी को मैं इस कार्डबोर्ड में सबसे पहले अटैच कर दूंगी फेविकॉल और पेपर की मदद से, ताकि ये सूख जाए और बाद में हम इस पर अपने डेकोर पीस को चिपकाएंगे दीवार में हैंग करने के लिए। उसके बाद हमने जो पेपर लिए थे उसको इस तरह से मोड़ते हुए कोन बनाना है, ठीक जैसे चना जोर गरम वाले बनाते हैं उस तरह के हमें यहाँ कोन बना लेने हैं। और उसका जो आखिरी छोर है उसको हमें फेविकॉल की मदद से चिपका लेना है। इस तरह से हमें कई सारे कोन बनाकर रख लेने हैं। इस वॉल डेकोर को बनाने के लिए हमें दो साइज़ के कोन की ज़रूरत होगी, एक ये साइज़ और एक इससे छोटा। तो जो हमने पेपर लिया था उसका भी मैंने आधा कर लिया है और उससे मैं छोटे कोन बनाऊंगी। ये आप देख सकते हैं दो कोन, एक ये छोटा वाला और एक थोड़ा सा इससे बड़ा है, और ऐसे मैंने कई सारे बनाकर रख लिए हैं। और अब इनको मैं फ्लोर पर रख के एक डिज़ाइन तैयार करके मैंने पहले देखा कि एक इनको किस तरह से अटैच करने पर ये अच्छे लगेंगे। और फिर मैंने उस कार्डबोर्ड को लिया जिस पे मैंने डोरी चिपका के तैयार किया था। अब मैं इसका सेंटर निकाल लूँगी और उस सेंटर से मैं कोन को चिपकाना शुरू करूँगी। पेपर कोन के बैक साइड में फेविकॉल लगाकर कार्डबोर्ड में जो सेंटर लिया था उस पर एक के बाद एक इन पेपर कोन को अटैच करती चली गई। और इस तरह से मैंने बड़े वाले जो कोन थे उनको एक राउंड पूरा चिपका लिया। उसके बाद मैंने जो छोटे वाले पेपर कोन बना के रखे थे उनको भी सेंटर से उसी तरह चिपका लिया। बस इस बार ये ध्यान रखा कि जो मैंने बड़े पेपर कोन चिपकाए हैं उनके बीच में मैं ये छोटे पेपर कोन उसी तरह से फेविकॉल की सहायता से चिपका ली, और फिर पूरे राउंड को उसी तरह कंप्लीट करना है। जैसे मैंने ये दो लगा लिए हैं, अब मैं धीरे धीरे करके एक के बाद एक सारे चिपका दूंगी। दोनों राउंड कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके बीच के हिस्से में अब मैं छोटा सा एक फ्लावर बना के लगा दूंगी, जो खाली सा दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। इसके लिए मैंने एक लंबा पेपर काट के लिया है और उसको zigzag इस तरह से मोड़ लिया है। zigzag मोड़ने के बाद इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड कर दिया और बीच में फेविकॉल लगाकर दोनों सिरों को इस तरह से जोड़ दिया।
एक वॉल डेकोर के लिए मैंने ऐसे तीन बनाए और उनको भी फेविकॉल की सहायता से इस तरह से जोड़ दिया ताकि ये फैन जैसा लगने लगे। और ये देखिए, ये जोड़ने के बाद में कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों को भी मैं जोड़ दूंगी और इस तरह से एक राउंड फ्लावर हमें मिल जाएगा। और अब मैं इसे इस वॉल डेकोर के बीच में अटैच कर दूंगी और ऐसे मैंने चार बनाए, दो बड़े और दो थोड़े छोटे साइज के। अब इनमें केवल गोल्ड स्प्रे पेंट करने की जरूरत है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ इसे पेंट भी कर लेते हैं। स्प्रे पेंट करने के लिए मैं सारी चीज़ों को बाहर लेके आ गई क्योंकि घर के अंदर में स्प्रे पेंट करना ठीक नहीं रहता है। और जब आप स्प्रे पेंट कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका मुंह नाक ढका हुआ हो, आँख में ना जाए, मतलब चेहरे से आप इसको दूर रखिएगा क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और पेंट के बाद में हमारा वॉल डेकोर बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। दिखने में किसी भी महंगे वॉल डेकोर से कहीं भी कम नहीं है। मार्केट में आप इस तरह के वॉल डेकोर मेटल के ख़रीदने जाएंगे तो 3 से 5 हज़ार के बीच में ही मिलते हैं, मैंने चेक किया है कई बार। और पर्सनली मुझे इतने महंगे आइटम से घर डेकोर करना पसंद नहीं आता है क्योंकि बाद में उनको चेंज करने में तकलीफ होती है। और अब बारी है वॉल पे इनको प्लेस करने की। आप चाहे तो इस तरह स्ट्रिंग लाइट के साथ में इसे डेकोर कर सकते हैं और नहीं तो फिर सिंपल भी आप इस तरह से लगा कर रख सकते हैं। दोनों ही तरीके में ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है। तो अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।